चैनल। तो आज कुछ खास नहीं है, मैं अभी जस्ट थोड़ा कुछ मतलब अभी तो टाइम हो गया। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 12 बज रहे हैं। तो 1 मिनट, थोड़ा लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है। अभी 12 बज रहे हैं तो मैं लगभग 9 बजे उठी थी, और 9 बजे के बाद मैंने काफ़ी काम भी कर लिया है क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो वैसे भी हम लोग अपना घर का काम खुद ही करते हैं, हमारे यहाँ कोई मेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी सारा काम खुद करती है। तो अभी लॉकडाउन है तो इसीलिए हम लोग भी घर पर हैं। तो हमने सारा काम आज बहुत काम कर लिया है। हमने आज मतलब काफ़ी सीन मतलब जो धोते हैं, सफाई वगैरह की है, झाड़ू पोछा किया है, और मतलब काफ़ी सफाई हो गई है आज, काफ़ी टाइम की सफाई हो गई है। और सब लोग नहा चुके हैं घर में, बस मैं और मेरे पापा जी बचे हुए हैं नहाने के लिए। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जाएं, तो फिर उसके बाद मैं जाऊँ नहाने के लिए। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद ही आराम से नहाया जाए, और भूख भी लगने लगी अब। तो खाना बन गया? अभी खाना बनने में टाइम है क्योंकि आज सब लोग लेट नहाए हैं, और अभी टाइम लगेगा। तो तब तक मैंने सोचा कि ना व्लॉग शूट कर लिया जाए, और अब हमें लगभग मतलब मिलते रहना है तो ऑब्वियसली अब व्लॉग शूट करना तो ज़रूरी है। तो गाइज मैं आपको कल एक बात बताना भूल गई थी, जब मैंने लास्ट वीडियो अपना डाला था तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। वो ये थी कि अभी वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई 18+ के लिए, तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि हमारे लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और देखिए अभी मतलब जैसे कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि तीसरी लहर आने का है, कि तीसरी लहर आ सकती है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि अगर आप जितना लेट करोगे उतना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। और मतलब फर्स्ट डोज लगवाने के बाद उसके बाद 42 डेज के बाद ही आप मतलब 42 डेज हो जाए उसके बाद ही वैक्सीन लगवाना, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 28 डेज हो जाएंगे, और जो मतलब वो लोग लिख के दे रहे हैं हमें, जो हमें स्लिप मिलती है उसके पीछे लिख के देते हैं कि 28 डेज बाद आना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 28 डेज बाद नहीं जाना है, 42 डेज पूरे कंप्लीट करके जाइएगा 43rd वाले डे, वरना मतलब 42 डेज से पहले आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा और हमारी इम्यूनिटी उतनी ही बूस्ट होगी। तो इसीलिए, और ये 42 डेज का गैप जो है डॉक्टर्स ने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जो पहली लहर थी वो तो मतलब उससे हम लोगों की एज में कोई डिफरेंस मतलब कुछ मतलब दिक्कत नहीं थी, जो 18+ थे उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने अब ये रखा हुआ है कि है ना आप अभी तो ये फर्स्ट डोज लगवा लिया, फर्स्ट डोज बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद सेकेंड डोज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेकेंड डोज आप थर्ड लहर पे लगवाएं, क्योंकि अभी थर्ड लहर मतलब जो कोरोना की लहर है, जो मतलब जैसा अभी सेकेंड वेव आई है, अब थर्ड वेव आएगी, तो वो थर्ड वेव में ना वो ये काम करेगी उस थर्ड वेव में, और हो सकता है कि हमें थर्ड डोज भी लगे, क्योंकि अभी उसका ट्रायल चल रहा है, तो थर्ड डोज भी लगना हो सकता है कि वो लगे। तो वो भी आप लोग मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए। तो गाइज़ आप लोग बताइए कि आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, और आप लोगों के यहाँ भी कोरोना का क्या माहौल है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पुलिस बाहर भी नहीं निकलने देती, और मतलब 10-11 बजे के बाद यहाँ प्रॉपर बंद हो जाता है। और हम लोग इवन मार्केट भी जाना हो तो मतलब कहीं जाना हो किसी के घर पे किसी काम से या बहुत ज़रूरी काम होता है तो, पर पुलिस नहीं जाने देती है, क्योंकि मैंने एक बार अपने भाई को भेजा था तो वहाँ पुलिस लगी हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर वापस जाइए, तो इसलिए फिर वो वापस आ गया था। तो मतलब वही है कि काफ़ी है, और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके रूल्स फॉलो कीजिए, कहीं मत जाइए बाहर, घर में ही रहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो वही कोरोना के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा हो सके आप घर में ही प्रिकॉशंस लीजिए, काढ़ा वगैरह पीते रहिए और स्टीम लेते रहिए, और गर्म पानी में नींबू डाल के पीते रहिए, क्योंकि इससे मतलब काफ़ी बॉडी में हीट रहती है, तो इससे हमें कोरोना होने के चांसेस कम रहते हैं।
अभी कोरोना मतलब काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है हम लोग की लाइफ में, मतलब मेरे भी फैमिली में, मेरे दादाजी को, मेरे चाचा जी को, मेरे कज़न को, मतलब मेरी फैमिली में और भी हैं जो मेरे छोटे दादाजी हैं उनको भी, मतलब मेरी बुआ जी हैं उनको भी, तो मतलब सबको कोरोना हो चुका है और किसी को अभी चल भी रहा है अभी रिसेंट में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और पर यही है कि वो लोग जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं अच्छे से। बस अभी मैं जाती हूँ अपने पापा जी से पहले पूछती हूँ कि वो नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे, क्योंकि उनके कुछ क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ, अगर वो जा रहे होंगे तो ठीक है, वरना मैं नहाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मैंने नहा लिया है और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है एंड अब मैं फ्री बैठी हूँ। मैंने खाना भी खा लिया है और बहुत ही भूख लग रही थी और मुझे भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, ऐसा लग रहा था कि बस सब जल्दी से फटाफट से खा पी लूँ और फिर आराम से ब्लॉग शूट करूँगी। तो मैंने पहले खाया, नहा कर आई जस्ट, देन मैंने फिर खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने फिर से मैं आपके साथ आ गई। एंड मैंने आपको भी बताया अभी कुछ स्टार्टिंग में कि आप थर्ड लेयर के टाइम पे वैक्सीन लगवाइए, नहीं सॉरी वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि थर्ड लेयर के टाइम पे नहीं, जो सेकंड डोज 42 डेज़ के बाद लगवाइएगा, नॉट कि थर्ड लेयर पे लगवाइएगा। थर्ड लेयर पे हो सकता है कि थर्ड डोज लगे, तो हो सकता है, मतलब उसका कन्फर्म नहीं है, वो ट्रायल अभी ट्रायल चल रहा है, ऐसा न्यूज़ में आया था कि अभी ट्रायल चल रहा है उसका, तो बस हाँ आप 42 डेज़ के बाद आप सेकेंड डोज लगवाइएगा, नॉट 20 डेज़ बाद, 28 डेज़ बाद, 42 डेज़ बाद। सो गाइज मैं आपको एक और चीज़ भी बोलना चाहती थी कि गाइज बहुत सारे लोग हैं जो है ना वैक्सीन से डर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि है ना वैक्सीन से कहीं हमारी जान ना चली जाए और कहीं हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं या कुछ रिएक्शन, या फिर मतलब ज़्यादातर लोगों को यही डर लग रहा है कि, और मतलब बहुत से लोग बोल भी रहे हैं कि बहुत लोग मर रहे हैं। ये बात सच है कि वैक्सीन लगवा के काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, बट ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है, वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, जिन लोगों को काफ़ी मतलब बीमारियां हैं, तो वो हो सकता है कि शायद वैक्सीन जब उनके बॉडी में जब जाती होगी तो शायद इस वजह से कुछ मतलब उनकी इम्यूनिटी शायद कुछ हुआ होगा, इस वजह से उनकी डेथ हुई होगी, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हो रहा है। तो गाइज आप लोग है ना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, मेरे घर में मेरे मतलब मम्मी पापा भाई बहन मैंने हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया, हमें कुछ नहीं हुआ है, अगर मरेंगे तो फिर सभी लोग मरेंगे वैक्सीन से, ऐसा कुछ नहीं है कि सब मतलब मर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं और मेरे ही कुछ कलीग्स हैं और मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो बोल रहे हैं उनको डर लग रहा है कि हम नहीं लगवा रहे वैक्सीन, हम नहीं लगवा रहे वैक्सीन, ऐसा नहीं है कि आप प्लीज़ वैक्सीन लगवा लो यार, क्यों फालतू में आप इतना वो कर रहे हो, क्योंकि यार वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और आप नहीं लगवाओगे तो आप फालतू में आप ऐसे ही घूमोगे, फिर आप सेकेंड डोज के बाद यार आप आराम से मतलब आपको फिर डर नहीं है कि आप आपको कोरोना लग सकता है, अगर आपको आपको कोरोना होगा सेकेंड डोज के बाद ही आपको कोरोना होगा, पर आप दवाइयों से ही रिकवर कर लोगे, पर वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है ना, कि आप उसको नहीं लगवाओगे तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, और फिर इस कोरोना के टाइम पे तो जो हो सकता है वो करिए, मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर ये वैक्सीन के बाद भी अगर कुछ चीज़ हो रही होगी ना, मैं तो वो भी करवाने को रेडी हूँ कि हाँ ठीक है भाई मैं वो करवा लूँगी, आप लोग सिर्फ वैक्सीन ही तो लगवानी है, वैक्सीन लगवाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ गाइस मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब हाथ में मतलब नींद आती है या कुछ मतलब चक्कर से आते हैं, कुछ लोगों ने हमसे बोला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपके हाथ में हो सकता है दर्द हो जो रहता है 2-4 दिन तक, मेरे को भी काफ़ी दर्द हुआ था, मेरा हाथ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था मुझसे, बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, सोया नहीं जा रहा था, तो वो हो सकता है कि आपके हो हाथ में दर्द, बट इट्स नॉर्मल, वो 2-3 दिन में आपका रिकवर कर लेता है हाथ, आप ठीक हो जाओगे, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोग वैक्सीन से बिल्कुल मत डरिए, वैक्सीन ज़रूर लगवा लो। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि वैक्सीन प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी लगवा लो। कुछ लोगों को मतलब अभी ये भी नहीं पता है कि ना रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आप जल्दी से करवा लो और देख लो, या यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं काफ़ी, आप उस पर भी देख सकते हो, और अगर नहीं है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वो बहुत ईजी है,
उसके बाद आप उसमें ओटीपी डालेंगे, उसके बाद जो शेड्यूल नाउ आता है वहाँ पर शेड्यूल नाउ पर क्लिक करेंगे, देन शेड्यूल नाउ आ जाएगा वहाँ पर। फिर आप अंदर जाएंगे तो उसमें पिन कोड डालेंगे, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालना है आपको। देन वहाँ पर बुक्ड 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 आ रहा है, वो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको ना कंटिन्यू बैठना पड़ेगा। जैसे कि ग्वालियर का है, ग्वालियर का स्लॉट जो वो लोग खोलते हैं ना, वो लोग है ना 5 बजे से 8 बजे के बीच में स्लॉट खोलते हैं, तो आपको कंटिन्यू वहाँ पर है ना 5 बजे आपको बैठना पड़ेगा। 5 बजे अगर आपको कंटिन्यू सर्च पे क्लिक करते रहना पड़ेगा, सर्च सर्च सर्च, मतलब वो करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं खुलेगा। आप किसी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उनको डेट मिलेगी, सब बिल्कुल भी नहीं, उनको डेट नहीं मिलेगी भाई, वो लोग डेट नहीं देंगे। डेट आपको खुद को बुक करनी है वहाँ पर, और एक दिन में सिर्फ 100 ही डोज लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी वैक्सीन की महामारी हो रही है, कि हम मतलब लोग मरे जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। यार मतलब खुद सोचो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवाओ। मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब मैं अपने खुद रिलेटिव्स को बोल रही हूँ कि आप लोग लगवाओ, आपका नहीं हो रहा है बुक मैं कर देती हूँ, मतलब मेरे को मैं कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नंबर वगैरह आपका लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी मैं कर देती हूँ। मैंने मतलब अपनी मेरी दीदी ने अपनी फ्रेंड का किया है, मैं अपनी मासी का आज कर दूंगी। मतलब आपको बैठना पड़ेगा। मुरैना का स्लॉट है, जैसे मुरैना का स्लॉट खुलता है लगभग, एक तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में खुलता है, फिर एक खुलता है 8 से 10 बजे के बीच में, तो आपको कंटिन्यू बैठना पड़ेगा इसके लिए। गाइस आपको डेट नहीं मिलेगी, आपको खुद डेट बुक करनी पड़ेगी, तो वो आपको देखो खुद चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि खुद ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो गाइस बस ये आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि आप लोग वैक्सीन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवा लीजिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस बार इस मैटर पे आपसे ना लास्ट वीडियो में बात नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब नेक्स्ट वीडियो में बात की जाए, तो इसीलिए मैंने ये पूरी वीडियो से वैक्सीन के ऊपर है कि आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और मेरे इस वीडियो को देखने से पहले ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कुछ भी नया कंटेंट चाहिए हो, या कोई भी क्वेश्चंस हो, या कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मतलब मैं ये गलत कर रही हूँ या ये सही कर रही हूँ। मतलब आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, और आप मुझे ना मतलब बता मेरी कुछ गलतियाँ भी निकाल सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो बस इतना ही कि वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर दिल हो तो, और साइड में ही एक बेल आइकन है सब्सक्राइब के बगल में, उसको तो ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।